तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक होगा मीटर ब्रिज। तो पहले क्वेश्चंस क्रिएट होता है कि मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, यानी मीटर सेतु को मीटर सेतु क्यों कहते हैं, व्हाट इज द डिफाइन ऑफ मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज को इसलिए मीटर ब्रिज कहते हैं क्योंकि इसमें एक मीटर का वायर यूज किया जाता है। कितने मीटर का वायर यूज किया जाता है, एक मीटर का। यदि मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कितने वायर मीटर यूज किया जाता है, एक मीटर का वायर। अब इसके कुछ वर्ड हैं, पहले नाम सुन लेना। तो पहला वर्ड होगा, एक पहला हेडिंग पड़ेगी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आप लोग लिख लीजिए, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को बोले तो सिद्धांत। क्या सिद्धांत? तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है या किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। यानी किस सिद्धांत पर कार्य करेगा ये, व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब तो इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, इट इज वर्क ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज, पी बाई क्यू इक्वल आर बाई एस। इट इज वर्क ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज, यानी P बाई क्यू इक्वल आर बाई एस। लिख लीजिए जल्दी से। तो गुड मॉर्निंग, देखिएगा अब हम लोग पहले इसमें डिस्कस करेंगे कि इनमें है कैसे। वैसे तो लैब में जाओगे तो तुम्हारे हिसाब से एक लकड़ी का पटरा रखा होगा, ऐसे एक वायर रखा होगा। तो कुछ लोग तो कहो गिटार है ना, जैसे कि फर्स्ट ईयर के बच्चों ने हमारे यहाँ स्कूल में गिटार खूब बजाया, कुछ बैंजो बना देने तीन तीन वायर के, है ना। तो होता क्या, पहले बात सुन लें, की इसे क्या बोलते हैं, की बोले तो कुंजी, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कुंजी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सेल। इसे बोलते हैं रियोस्टेट, धारण यंत्रक। तो सुनिएगा, धारण यंत्रक वर्ड पूरे सुनते जाइए, किसको क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। धारण यंत्रक रियोस्टेट, यानी ये करंट को कंट्रोल करता है। हिंदी मीडियम में तुरंत समझ गए होंगे, धारण यंत्रक धारा को नियंत्रित करता है। तो आप कहते हो कि सर आर आपने पढ़ाया था, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, कहते हो सर वो भी नियंत्रित करता है। तो बेटा सुनिए, आर तो नियंत्रित करता है लेकिन वो बड़े बड़े सर्किट, छोटे सर्किट रियोस्टेट, जिनमें मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर करंट आती है, उनको रियोस्टेट यानी धारण यंत्रक करता है। सेल से परिचित हो। अब प्रॉब्लम होगी एक गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का हमने मतलब बताया था, गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी, इसका काम एक ही होता है, केवल डिफ्लेक्शन यानी विक्षेप का मेजरमेंट करना कि ब्रिज हमारा बैलेंस है कि नहीं। क्लियर? आपका तो सर संट, आपके मम्मी पापा लोग नहीं कहेंगे, संट का मतलब होता है कि जो काम करना ही बंद कर दे, नहीं कहने घर में मम्मी पापा लोग करते, इतना साले मारेंगे जूता कि संट कर देंगे मार मार के। यानी एक तरीके क्या होता है, रेजिस्टेंस काम करना ही बंद कर दें। उन्हीं गांव के लैंग्वेज में कहते थे, हम लोग पापा के जमाने में थे तो गांव में नहीं वो आते हैं चमड़े के जूते आते हैं जिनके अंदर कील तक ना घुसे, तो वो लोग बोला करते थे, पिताजी लोग हमारे जाने बोला करते थे, अबे कायदे बैठ जा साले पढ़ लो नहीं मार मार के संट कर दे। तो संट का मतलब होता है यदि इसको कहीं पर लगा दो तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसके नीचे जो लगी है इसे बोलते जॉकी। हाँ भैया, अब जॉकी वाले नहीं कहते कि भाई हम जॉकी नहीं रूपा की पहनते हैं, है ना, तो जॉकी इज जॉकी, है ना, तो जॉकी। अब जॉकी क्या होती है, ये केवल एक सुई टाइप में ऐसे होती है, इसको वायर में ऐसे टच किया जाता है, मतलब ऐसे पेन टाइप में होगी ऐसे आगे लगाओ उसको वायर में टच किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, कैसे किया, इसके सारे उपकरण के नाम समझ गए ना, किसको क्या कहते हैं। अब हम लोग पहले हिंदी मीडियम सुनिएगा, सबसे पहले हिंदी मीडियम सुनिए, गौर सुनिएगा। एक एसी एक तार होता है, इसमें एसी एक मीटर का क्या होता है, तार, जो मैग्नीन टंगस्टन या यूरेका का होता है और वो एक समान व्यास का होता है। कैसे होता है, एक समान व्यास का एसी एक, इसमें एक मीटर का तार होता है जो कि एक समान व्यास का होता है। फिर इससे दो एल टाइप की कापर की पत्तियां लगी होती है, ये देखो दिखाई दे रही नहीं एल टाइप की, इसमें दो एल टाइप की क्या लगी होती है, कापर की पत्तियां, जिनमें संबंध सूचक पेच लगे, लगा ना संबंध सूचक पेच, रिलेशन पेच, स्क्रू पेच, अभी इंग्लिश में बताएंगे। फिर इनके बीच में थोड़ा सा क्या रहता है, रिक्त स्थान, और एक तीसरी पत्ती लगी है, लगी ना तीसरी पत्ती, इस तीसरी पत्ती के बी बिंदु से
एक संट युक्त धारा मापी और जौकी जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है। अब ए के दूसरे सिरे से यानी इसके दूसरे सिरे से सेल का धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरे से क्या रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक और कुंजी केवल लगे। क्लियर? इंग्लिश मीडियम। एसी एक मीटर का वायर लेते हैं, इसको हम उडेन स्केल, एक लकड़ी का होता है उडेन बेस स्केल से कवर यानी स्ट्रिप्स कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। एसी एक मीटर का वायर लिया और इसको हम उडेन स्केल से क्या करते हैं स्ट्रिप्स। ए व सी पॉइंट से दो कापर की एल साइज की क्या होती है स्ट्रिप्स, दो ए व सी से एल साइज की क्या होती है कापर स्ट्रिप्स। फिर जिनसे तीन रिलेशन पेच लगे हैं, एक ये और एक ये, फिर बीच में गैप क्या होता है गैप, और एक थर्ड स्ट्रिप्स लगी हुई है, लगी ना थर्ड स्ट्रिप्स, और इस थर्ड स्ट्रिप से गैल्वेनोमीटर प्रोवाइडेड संट यानी संट प्रोवाइडेड गैल्वेनोमीटर विद अटैच जॉकी, राइट। फिर ए वास ए के अनदर पॉइंट से सेल का पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड निगेटिव टर्मिनल से रियोस्टेट और की केवन अटैच, राइट। याद रखना, और ये जो वायर लेते हैं एक मीटर का, याद रखिएगा दोबारा बोले दे रहे हैं, वायर जो एक मीटर का लेते हैं या मैंगनीन टंगस्टन या फिर यूरेका, और इस वायर को एक मीटर का जो होगा, हमने भाई थोड़ी देर पहले बताया कि लकड़ी का होता है वुडन, उसमें एक स्केल लगी होती है एक से 100 सेंटीमीटर तक की, लैब में जाइएगा आपको दिखाई देगा 100 सेंटीमीटर तक लगी रहती है, उसमें एक वायर बंधा होता है। तो आप लोग गिटार मत समझिएगा, वो मीटर बिज होता है, क्या होता है मीटर बिज। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो। अब देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं, इधर वाला कनेक्शन दिखाओ या ना दिखाओ ये स्टोरी में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता, ओके। यानी हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो कंस्ट्रक्शन में हम इधर का दिखाएं सेल या ना दिखाएं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इतना कंपलसरी आपको दिखाना होगा कि एक एसी वायर होगा वो एक मीटर का होना चाहिए और उसको वुडेन स्केल से लगा, लकड़ी के आधार पैमाने से क्या होना चाहिए कसा होना चाहिए, राइट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग, तो वर्किंग यानी कार्यविधि, तो कार्यविधि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है सुनिएगा, वर्किंग हिंदी में कहते हैं कार्यविधि, बहुत सरल और प्यारी सी है, गौर से सुनिएगा। हम लोगों ने बताया ये रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं, क्या होता है रेजिस्टेंस बॉक्स यानी कि प्रतिरोध बॉक्स, क्या होता है बेटा प्रतिरोध बॉक्स, क्या होता है बेटा प्रतिरोध बॉक्स, हाँ तो क्या होता है हम इसमें बात डिस्कस करेंगे प्रतिरोध बॉक्स, और ये क्या होता है अज्ञात तार का प्रतिरोध। तो यदि प्रतिरोध बॉक्स में डॉट डॉट लगे तो वहाँ लैब में देखना कभी कोई छः वाला होगा कोई आठ, ऐसे पेज लगे हो तो उनको निकालना होता है यानी, और इधर क्या होता है अननोन रेजिस्टेंस अज्ञात तार का प्रतिरोध। यानी मीटर बिज का जब एक्सपेरिमेंट करेंगे प्रेडिकल से तीन चीज़ें, नंबर एक अननोन रेजिस्टेंस अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो, नंबर दो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध, और तीसरी बात जो सीरीज और पैरेलल नहीं पढ़ा करते थे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो वो क्या होता था उसका सही है कि गलत उसको इन बातों से आप प्रूफ कर सकते हैं। तीन चीज़ें याद, नंबर एक पहला कौन सा अननोन रेजिस्टेंस अज्ञात तार का प्रतिरोध, दूसरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध, और तीसरा सीरीज एंड पैरेलल यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये आपके तीन एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करता है। तो वर्किंग में क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे एक बॉक्स से निकाल देना होता है, ये जो लगा होता है पेच निकाल देना होता है, और की इसको क्या कर देते हैं ऑफ बंद कर देते हैं। हमने कल बताया था कि तुम्हारे हिसाब से कुंजी को बंद करना यानी वो खुल जाती है सर्किट चालू, जैसे ही की को हम ऑफ करेंगे, जैसे हम की को ऑफ करेंगे तो करंट फ्लो होने लगती है, और जब करंट फ्लो होने लगेगी तो ये जो जॉकी होगा इसको वायर में टच कराते हैं, वायर में क्या कराते हैं टच कराते हैं यानी स्पर्श कराएंगे इधर उधर, जब स्पर्श कराएंगे तो एक कोई ऐसा पॉइंट फाइंड होता है जहां पर मान लीजिए डी पॉइंट फाइंड हो रहा, जहां पर डिफ्लेक्शन यानी कि विक्षेप क्या हो जाए जीरो, जहां पर डिफ्लेक्शन या विक्षेप जीरो हो जाता है तो पता चल जाता है हमारा ब्रिज कैसा है बैलेंस,
सेतु कैसा संतुलित, तब इस तरफ का वोल्टेज और इस तरफ का वोल्टेज, यानी इस तरफ विभव और इस तरफ का विभव कैसा हो जाता है, सबसे बात समझ गए, यानी हमने क्या किया, वही किया जो करना था मुझे। पहले मैं मुझे एक बॉक्स से निकाल लेते 6 ओम 4 ओम 5 ओम का, जितने ओम का हमने निकाल लिया, राइट। फिर हमने क्या कर दिया, की को क्या कर दिया ऑफ, यानी कुंजी को क्या कर दिया बंद। जैसे बंद किया तो यहाँ क्या फ्लो होने लगती है, करंट, यानी कि धारा बहने लगती। धारा बहने के बाद हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर यानी जॉकी को हमने कहाँ टच कराया, इस वायर में, और वायर में टच कराने के बाद क्या हुआ, एक कोई ऐसा पॉइंट फाइंड हुआ, नल पॉइंट, जीरो विक्षेप। तो पता चल गया हमारा ब्रिज कैसा है, बैलेंस, सेतु कैसा है हमारा, संतुलित, क्लियर। और जब हमारा सेतु संतुलित हो जाता है तो उस पॉइंट से हम क्या रीडिंग ले लेते हैं। एक बात और याद रखना कि जैसे हमने कहा लैब में रखा होगा, तो लैब में रखा होगा तो 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक उसमें लिखा होता है, तो आप जब नापना चालू करेंगे 30 से 70 के बीच में, यदि आप क्या ईमानदारी से प्रैक्टिकल हो जाए, वैसे तो आजकल होते नहीं ईमानदारी से प्रैक्टिकल, सब टीचर ले ले बेटा, अपन बच्चा भी तैयार रहता है क्योंकि स्कूल व्यवस्थाएं नहीं आपने की नहीं होंगी। तो होता क्या है कि अब हम जीरो से टच कराने लगे उसको, तो पहले समझ जाता कि तुमने कभी लैब में किया नहीं, इसे सिखाया गया तुमको। तो हमेशा कहाँ से आपकी जो नोक गिरनी चाहिए, नोक वो 30 से 70 के बीच में ही गिरनी चाहिए। और कुछ स्कूल वाले हैं जो 30 के पहले रीडिंग निकाल लेते हैं, इधर इधर करेंगे फिर निकल तो रही, लेकिन जो एक्यूरेट एक्यूरेंस वैल्यू होती है वो 30 से 70 के बीच में। तो हमने बताया था किस प्रिंसिपल पे काम करता है, पी बाई क्यू इक्वल आर बाई, तो बेटा पी का मान क्या होता है आपको पता होगा, आर बराबर हम लोगों ने किसी ज़माने में रो एल बटे ए पढ़ा था, तो रो एल बटे क्या होगा ए, और क्यू बराबर क्या होगा रो, लेंथ क्या है हमारी यहाँ पर इतनी, हम एल मानेंगे तो इतनी क्या मानेंगे 100 माइनस, ओके, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एल अपॉन ए, इसको और इसको समीकरण एक में रख दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, और अननोन रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा यस, और ज्ञात रेजिस्टेंस हमारा क्या था आर, तो एस निकालना होता तो यस बराबर क्या हो जाएगा आर 100 माइनस एल अपॉन क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, क्लियर, कोई दिक्कत, 100% सी लिख, चलो वेरी गुड। अब आता है इसकी सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करते हैं, तो इसकी सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करें, तो पता ही चल गया इसकी सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कि वायर को जितना भी आप पतला करते जाएं थिन क्वालिटी का, उतने ये अधिक से अधिक सेंसिटिविटी, मतलब समझते हो ना, एक्टिव काम करने, नहीं कहते अबे यार वो बहुत एक्टिव आदमी है, समझ गए, ओके, तो टॉपिक क्लियर हो गया ना, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टर्न में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे भैया।